लाल बत्ती ध्यान नहीं दी मैंने, मैं उनको देख के चल दिया फॉलो करता हुआ और आगे जाके पुलिस वालों ने रोक दिया। राजस्थान के अंदर पुष्कर की होली सबसे फेमस है भाई, बहुत मजेदार जगह है यार, अलग ही फील है भाई। राइटली लेफ्ट लेके हाईवे पे नहीं आ रहे हमें, एक घंटे से लगे हुए बांगे से भी, तेरे से भी हाई फाई लेवल के लोग हैं। हम आ गए टेरेस पे, ये देखो फोर्ट की टेरेस पे, हेल्दी खाना खा के जूस फ्रूट हेल्दी खाना बाबे के परांठे का। फ्यूचर भी यही है, ये खाना बदोश की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं जयपुर से और भाई बांगा यहाँ पे ले आया है फ्रूट्स। दिखा भाई क्या लेके आया है। मैं लेके आया हूँ ये देखो भाई, ये सारे फ्रूट्स ने काट लिए यहाँ पे। ओह भाई गलत तो ले लिया हमने, मेरे को लग रहा है गलत में से आ गए हम। नहीं नहीं नहीं, अगर आप RJ14 आते हो ना, ये तो बता RJ14 तो छोड़। भाई क्राउड वाली सारी जगह बता दी तुमने जयपुर में। अच्छा ये बता कि तू क्या क्या फ्रूट्स लेके आया ये चीज का। ब्लैक ग्रेप्स, ओके ये सी, ओके एंड अपना आप देखोगे फिर अमरूद है, ओहो हो, ऑरेंज है, ओके बनाना है, नाइस, चाट मसाला है। ओ चाट मसाला तो जरूरी बनता है, चाट मसाले के बिना बांगे का काम ही नहीं चलता। बाकी कुकिंग एक नंबर करता है, राइस बनाता है भाई, फ्राइड राइस चाट मसाला डाल के आपको लेमन फ्राइड राइस खिलाए जाएंगे। लेमन फ्राइड राइस कैंपिंग करेंगे तो वो दिखाते हैं आपको अलग लेवल का ना, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। कल करेंगे कैंपिंग, देखते हैं कुछ प्लान बनाते हैं। बाकी पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है गाइस, हमने रेड लाइट तोड़ दी। रेड लाइट तो नहीं तोड़ी। तो आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे पुष्कर, देखते कितना टाइम लगेगा। वैसे टाइम दिखा रहा है मैप में 2.5 से 3 घंटे, तो इससे ज्यादा ही लग जाएंगे अगर हम आराम से जाते हैं। वैसे भी आपको पता ही भाई मैं 70-80 की स्पीड पे चलता हूँ, इससे ज्यादा स्पीडिंग नहीं करते हैं। बट थोड़ी देर पहले जो इंसिडेंट हुआ वो तो आपने देख लिया, जयपुर में 2 बार स्वागत हो गया अपना, एक बार तो वहां तो बच गए बाल बाल, बाकी यहां रोक लिया था। यहां पे फिर भाई बांगे की चलती है जयपुर में, तो बांगे ने जुगाड़ बिठाया एक पुलिस वाले से बात करवा के फिर हमें छोड़ दिया। एक्चुअली क्या था ना, जो आगे अपने 2 गाड़ियां चल रही थी ना उनकी वजह से कंफ्यूजन हो गई थी, लाल बत्ती ध्यान नहीं दी मैंने उनको देख के चल दिया फॉलो करता हुआ और आगे जाके पुलिस वालों ने रोक दिया कि भाई लाल बत्ती क्रॉस हो गई तुम्हारी, तो फिर रेड लाइट क्रॉस होने पे तो भाई चालान बनता ही है। बट रिक्वेस्ट करके वो मान गए, चालान नहीं कटा अपना और सीधा पुष्कर की तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको पुष्कर में। मैंने मतलब वैसे पूरा सर्किट किया हुआ है राजस्थान का, माउंट आबू वगैरह जैसलमेर सारी चीजें रखी है, बट पुष्कर और अजमेर नहीं किया हुआ। तो देखते हैं पुष्कर चलते हैं आज, पुष्कर में क्या खास है। वैसे तो ब्रह्मा जी का मंदिर एक पूरे इंडिया में वहीं पे है ना, पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे है, पुष्कर में है। बाकी पुष्कर का फूड भी बहुत फेमस है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ की। उसके भी होली भी बहुत फेमस है, होली बहुत फेमस है और होली तो आ ही रही है नजदीक, 7-8 तारीख में होली है। मैं ये कह रहा हूँ अब हम पुष्कर जा रहे हैं तो पुष्कर के अंदर 2 कंटेंट कवर हो सकते हैं। एक तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है सबसे फेमस, एक कंटेंट ये बन सकता है। सेकेंड कंटेंट जो कवर हो सकता है पुष्कर की होली, राजस्थान के अंदर पुष्कर की होली सबसे फेमस है, तो सेकंड कंटेंट वो बन सकता है। और एक और कंटेंट मेरे दिमाग में आ रहा है, फॉरनर फॉरनर जो है वो कैसे सेलिब्रेट करती है राजस्थान में। मैं कह रहा हूँ कि जब ऊंचा लंबा कद पे डांस होगा ना तेरा होली पे, माहौल देखते ही बनेगा वो। भाई तेरा एक मेरा दोस्त है ऑफिस का, वो बंदा तेरा फैन हो गया भाई, वैभव। हाँ यार, बांगे से मिलवा कभी। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना जयपुर, वीडियो बनाई थी मैंने, वैभव ना मेरे ऑफिस में भी है, वो भी मेरा बड़ा फैन है। अब हम जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन जगह पे, ये सारे आपको मार्बल दिखाई दे रहे हैं ना, वी आर गोइंग टूवर्ड्स मून लैंड। तो अभी हम मून लैंड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लेट हो गए, सनसेट व्यू लेना था हमें, 6:19 हो चुके हैं। लेट्स सी अगर कोई बढ़िया सा व्यू मिलेगा आपको दिखाते हैं। तो राजस्थान में ही आपको मिल सकता है और मून लैंड पे ही आप पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ से आई थिंक कितना मिनट दिखा रहा है बांगे, 5 मिनट रह गया, 1.6 किलोमीटर 5 मिनट्स। सो गाइस वी हैव एंटर्ड द मून लैंड। अब यहाँ से देखो आपको बिल्कुल आपको फील आएगी कि भाई मून पे पहुंच चुके हैं हम। डंपिंग यार्ड अभी तो अंदर तक लेके जाएंगे, बाकी बड़ी रिक्वेस्ट से हमें एंट्री मिली है यहाँ पे, क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाता है। फॉर्मेशन अभी 6:26 हो चुके हैं, तो अगर आओ तो टाइम से आना, 5 बजे से पहले पहले। ओ भाई साहब एक नंबर जगह ही लगे भाई, ये देखना फुल ऑन वाइट आपको यहाँ पे लैंड दिखाई देगी। और यहाँ पे ना प्री वेडिंग शूट्स वगैरह होते हैं, ट्रैवल करते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। बाकी यहाँ से एंट्री नहीं है, वो सामने एक पुलिस की वहाँ पे टाटा सुमो खड़ी हुई है। बांगा साहब क्या कहना चाहोगे जगह के बारे में? जगह ये बड़ी ऑसम है, आप प्री वेडिंग शूट के लिए और आप फैमिली के साथ
यू मस्ट विजिट भाई, बहुत मजेदार जगह है यार, अलग ही फील है भाई, आइसलैंड वाली फील आ रही है यार, अपनी थार अगर यहाँ तक आ जाए तो मजा ना आ जाए, ये ऐसा फील आ रहा है कि जैसे मून के ऊपर ही हम घूम रहे हैं, सारी चीजें ऐसी बनी हुई हैं और नेचुरल है सब कुछ, तो अच्छा मतलब भाई अपने को ना एक ड्रोन शॉट लेना है बढ़िया सा, बट गाड़ी ले जानी पड़ेगी उधर, वो जहाँ प्री वेडिंग वाली लग रही है, बाकी बात करो उससे। फुल रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वी आर एंटरिंग टू मून लैंड, ये देखो आप नज़ारे, बाकी मैंने यहाँ पे जो ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया, बट ओनली फॉर 10 मिनट्स वी कैन डू सम शूट, और आपको दिखाते हैं नज़ारे थार के साथ मून लैंड पे। ये देखना बिल्कुल वाइट, जो आपको दिखाई देगा ना फॉरेन कंट्रीज में आइसलैंड दिखाई देता है, वैसी ही फील है। मैं यहाँ पे थंबनेल लेने के लिए आया था, बट भाई हमारी गाड़ी के आ गई, खुद फोटो खींचने लग गए, तो इनको एक बार फोटो लेने दो, उसके बाद बढ़िया था थंबनेल लेना है मेरे को यहाँ से। भाई लोकेशन इतनी जबरदस्त है ना, मतलब यहाँ के ना अलग ही लेवल की फील आ जाती है। उसके बाद ये जो पीछे से आपको रेडिश कलर में सनसेट व्यू दिखाई दे रहा ना, अगर थोड़ी सी और पहले आ जाते जो सनसेट होता हुआ दिखाई देता ना, अलग ही लेवल का भाई। लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस, बढ़िया से फोटोज कैप्चर करें, एक दो रील्स शूट करी है, थोड़ा सा हम लेट पहुंचे यहाँ पे, बाकी हम मून लैंड को करते हैं बाय बाय और सीधा चलते हैं पुष्कर की तरफ। तो निकलते हैं, हमने ले लिया भाई ये पापड़ जो कि बांगा का फेवरेट है, बांगा स्पेशल पे लगा हुआ है चाट मसाला। चाट मसाला जिंदगी में कुछ होना हो चाट मसाला जरूर होना चाहिए, जिंदगी में चटपटा जरूर रहना चाहिए, चटपटा जरूर रहना चाहिए, चटपटी होनी चाहिए, एकदम मसालेदार नमकीन। भाई पता नहीं हम कहाँ घुस गए, डंपिंग यार्ड के बाद बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ गाँव से में एंटर हो गए हम। जैसे गूगल मैप ना ये धोखा बहुत देता है भाई, अब हमें लगना है पुष्कर वाले हाईवे पे, और वहां से डंपिंग यार्ड से ना बिल्कुल सीधा रास्ता था, पता नहीं इसने कहां से शॉर्टेस्ट पाथ दिखा दिया, स्लाइटली लेफ्ट एंड देन राइट। ओ भाई जो तूने ये बोली ना स्लाइटली लेफ्ट और फिर राइट दिल ही खुश कर दिया भाई इसने तो, स्लाइटली लेफ्ट लेके हाईवे पे नहीं आ रहे हम, एक घंटे से लगे हुए कि हाईवे पे पहुंचे समझ नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे पूरा जाम है, अभी हम पुष्कर के अंदर पहुंच चुके हैं, गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है यहाँ पे, बट निकल जानी चाहिए बाकी गाड़ियाँ से। एंड नाउ वी आर हेयर एट वराह घाट बोलते हैं इसको, ये पंडित आते हैं पकड़ते हैं आपसे पिंडदान करवाते हैं ड्रा ड्रा कर। भाई चप्पलें उतार के जाना है अंदर, हम तो पहुंच गए ना, गोरी चप्पलें वहां उतरेंगे। हाई लेवल के लोग रहते हैं यहाँ पे, हाई फाई लेवल के, बांगे से भी तेरे से भी हाई फाई लेवल के लोग हैं यहाँ। भाई हम वराह घाट आ गए, ये देख लो आप यहाँ से नजारे देख लो, और गाड़ी हमने वहाँ बाहर पार्क करी है, बाकी बांगा भाइयों से निपट रहा है, ये यही के ही है पुष्कर के, खड़े थे वहाँ पे आपके ना लेफ्ट यार, ये वीडियो वीडियो वाले तो काम हमारे पास करो मत क्या शमशान वाले, तुरंत महाकल्याण होता है, पुष्कर की गलियों में हम खा रहे हैं लाला पराठे वाले का पराठा, यहाँ पे इनका जो फेमस है वो पराठा बनवा दिया है, सब कुछ मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और यहाँ पे अपने मशरूम फ्राई हो रहे हैं बारा चौक और पराठे, मोस्ट फेमस लाला पराठा। भाई ये पराठा ले लिया हमने, और इसमें बांगे ने अलग से बटर ले लिया है, पराठे 300 रुपए के हैं दो तो फुल वसूल, विदाउट बटर अपने को मजा आता ही नहीं यार, फुल वसूल कर रहा बांगा यहाँ पे आके। बाकी ये भाई अपना बारा घाट पुष्कर में, और यहाँ पे कुछ ही अपने फूड कोर्ट्स वगैरह ओपन है, बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है इधर। तो अब चल रहे हैं होटल में, होटल ही चल रहे हैं तो सीधा। हाँ हाँ चलो फिर, यहाँ पे हमें स्पेस मिल गया है अपने रूफ टॉप टेंट ओपन करने के लिए, तो ये सामने गार्डन है, और ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, यहाँ तो ब्लैकआउट रखा है, दिख गया देखो
राइट साइड में देखो भाई, यहाँ पे जिप्सी का ग्रुप आ रखा है पूरा कल ऑफ रोडिंग के लिए, जो कि हो सकता है कि कल हमारा भी प्लान बन जाए, विल सी समथिंग। गाइस हम आ गए टेरेस पे, ये देखो फोर्ट की टेरेस पे, एंड आई विल शो यू समथिंग। देखो इधर खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, ये इधर। बाकी अभी हम ऊपर आए हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, विल सी कि अगर रूफ टॉप कैंपिंग करेंगे तो अभी ओपन करते हैं। टाइम इज़ ऑलरेडी अराउंड 12:27, 2:09, और यहाँ पे बांगा हो चुका है रेडी सोने के लिए। बाकी अपना टेंट ओपन कर दिया, हम चलते हैं टेंट के अंदर और भाई सोएंगे अंदर चल के ही। बाकी सुबह दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के, अभी नाइट में तो दिखेगा नहीं कुछ भी। वेलकम टू माई कैंप ब्रो, बांगे को भी आज कैंपिंग करवा देते हैं कैंपिंग का कीड़ा तेरे भी लगा देते हैं नाइस। इधर ये भी खोल दो, हाँ ये वाला भी निकाल दे सारे। कैसे खुलेगा ये? ये देखो बांगे को क्या काम पे लगा दिया ना भाई, तकिए फुलाने पे लगा दिया इसको कैंपिंग में, जब तक मेहनत नहीं हुई तो क्या ही कैंपिंग हुई है ना पसीने आ गए बांगे तेरे को एक्सरसाइज है आपकी फेफड़ों को खोलने की, कल के लिए तैयारी हो रही है। तो निशांत ने सीख रखा है कि रात को फेफड़े खोल के सोना चाहिए, तो उनको कैंप वालों ने ना ये टेंट के साथ ये फेफड़ों के फेफड़े खोलने की मशीन भी दी है। काम है, एक तो फेफड़े खुलेंगे और दूसरी आपकी नींद अच्छी आएगी। ये देखना कम्फर्ट, देखना यार इसका कम्फर्ट, इसमें तेरे को हवा और भरनी पड़ेगी। ये बता, जब बंद करता है ना तब एक साथ निकलती है ना। मैं अब इसको मैंने कम किया थोड़ा सा, मेरे को सॉफ्ट अच्छा बांगा फील लेते कैंपिंग की फील यार, कैंपिंग वाले तक तो कैंपिंग का ही है। चलो गाइस गुड नाइट कर दे भाई सबको, कल मिलेंगे। कल तो हम क्या करने वाले, कल तो हम ऑफरोडिंग पे जाएंगे। अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करवा, शेयर एंड सब्सक्राइब The Indian Overlander and Nishant Pathak page. तो भाई YouTube, Instagram and Facebook. मजे कैंपिंग के मजे लो और एंजॉय करना सीखो। और कल तो हमारा अलग ही प्लान है ना, अगर हम टाइम से उठ गए। कल हमारा ये है कि देखो कोशिश यही है कि हम अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठे और ब्रह्मा टेम्पल के जाए, उन्हें हेल्दी खाना खा के जूस फ्रूट उसके बाद हेल्दी खाना बाबे के परांठे खाएंगे जाके, बाबे के परांठे तेल वाले भाई साहब, लाला जी के परांठे, उस तेल वाले परांठों ने जान निकाल रखी। हमने कुछ एपिक लिया था और उसकी भी बत्ती बना दी थी। क्या लग रही है, लाला जी के परांठे खाए हैं हमने, परांठे भी यार 300 रुपए के दो यार, मैंने 300 रुपए के दो थे वो, जिंदगी में नहीं देखे इतने महंगे, 150 रुपए का पराठा। मैंने वो परांठे ऐसे महंगे परांठे जिंदगी में नहीं खाए। मैं अगर ताज होटल चला जाऊँ या चांदनी चौक की गलियां चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, पंजाब इतने ही है, चांदनी चौक की गली में इतने 150, 160, 170, 180 गाइज टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। बाकी बढ़िया फन किया आज, और आज कैंपिंग का कोई भी प्लान नहीं था, बट जो भाई मिले ना मैं इनका क्या है ना ग्रुप आया हुआ है, कल ऑफ रोडिंग के लिए जाएंगे, तो देखते हैं अगर हम टाइमली उठ गए। ब्रह्मा जी ने अपने घर में हमें सोने के लिए बहुत प्यारी जगह दी, जो हमने मन में सोचा वो हमारा पूरा होता जा रहा है, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ हमें हेल्प अपने आप ही लोग आ रहे हैं दे रहे हैं। ब्रह्मा जी अच्छा एक चीज बतावांगे तू, ब्रह्मा जी ने वो कल हम देख लेंगे, आओ एक्सप्लोर करो और ये एक्सपीरियंस ही अलग है भाई, शेयर करो और इसको आगे फ्यूचर यही है, फ्यूचर भी यही है। ये खाना बदोश की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी है खाना बदोश कहाँ से लाया भाई, खाना बदोश के नाम पे लाइक इसका पूरा हिंदी में मीनिंग होता है खाना बदोश का। खाना बदोश होता है मतलब अपना घूमना फिरना जो मिले उसमें सरवाइव करना और ऐसी अच्छा। लाइफ जीना जो टेम्परेरी है, तो फिर फिक्स तो नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी रुको। फ्रॉम आई एम टेलिंग अबाउट यू फ्रॉम रहने के परस्पेक्टिव से कि भैया होटल है हमारी जगह है, नहीं हमारी पास गाड़ी है, अपना टेंट है, कहीं लगाएंगे कहीं रहेंगे, जो खाना मिलेगा मिली तो वो वैसे वाला है, जो टेम्परेरी अपना घूमते घूमते अपनी चीजों को मैनेज करना, खाना बदोश वाली जिंदगी, खाना बदोश, ये मॉडर्न खाना बदोश है। पहले क्या होता था, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, वो जंगलों में सरवाइव करते थे, पेड़ पे रहना और ये सब चीजें, ये मॉडर्न खाना बदोश वाली जिंदगी है सच कह रहा हूँ। हाँ आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, एक अलग से व्लॉग बनाया जाएगा खाना बदोश के ऊपर जो इसमें ओवरलैंडिंग को ही खाना बदोश बना दिया ना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो भाई एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक देना, मिलेंगे कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नए जर्नी के साथ, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं, बाय, स्टे ट्यून्ड।
ट्यून 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 ट्यून।